यह देखा है तो काफी विशाल प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, मात्र काली जी का आप देख पा रहे होंगे प्रतिमा। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ काफी जबरदस्त है जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के, यह दिखाया तो एक रेलवे कॉलोनी है जो कि दिखाया तो अपने वाराणसी जंक्शन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका नाम है प्रेक्षागृह जो कि इसी में लगा हुआ है काली पूजा। यह दिखाया तो 3 दिवसीय काली पूजा लगता है, तो आज मैं उसी का दृश्य दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कि अभी मैं मौजूद हूँ, ये एक रेलवे कॉलोनी है, और रेलवे कॉलोनी के ठीक सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने है लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, और लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के ठीक बगल में एक प्रेक्षागृह एक स्थल है, और उसी में लगा हुआ है काली पूजा। ये देख रहे हैं, ये दिखाया तो 3 दिवसीय काली पूजा रहता है, और यहाँ पर लगता है 3 दिन का मेला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ रहता है। वैसे देखा है तो अपने वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध जो है वो है बंगाली टोला में मौजूद काली पूजा लगता है वहाँ पर, ठीक है, और ऐसा ही दिखाया तो यहाँ पर स्थान होने की वजह से यहाँ पर लगता है काफ़ी ज़बरदस्त वाला मेला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये दिखाया तो अपने वाराणसी जंक्शन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह जो प्रेक्षागृह है वह स्थित है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये दिखाया तो मेला का यह जो है यह आखिरी दिन है, सामने आप देख पा रहे होंगे जो कि ड्रैगन ट्रेन भी आपको चलते हुए नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर मिक्की माउस कूदने के लिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं सामने इस साइड देखिए मोमो का दुकान है, और इसी प्रकार इस साइड देखिए बॉम्बे का मशहूर भेलपूरी कृष्णा चाट भंडार, और इस साइड देखिए बच्चों को कूदने के लिए जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसी साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सामने आप देख पा रहे होंगे जो कि ब्रेक डांस भी है, और इस साइड ड्रैगन ट्रेन जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ काफी जबरदस्त है। तो चलिए चलते हैं, जो काली प्रतिमा लगा हुआ है सामने लगा हुआ, और इस साइड हो रहा है जागरण। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ काफी जबरदस्त भीड़ है। पर एक हवन कुंड है, ये देख रहे हैं, ये देखा है तो काफी विशाल प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे, मात्र काली जी का आप देख पा रहे होंगे प्रतिमा। तो चलिए निकलते हैं बाहर। ये देख रहे हैं भीड़। तो चलिए इस साइड भी लगा हुआ है कई सारे दुकान, तो उसे भी मैं दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए इस साइड देख पा रहे होंगे जो कि आइसक्रीम का दुकान,
और इस साइड देखिए भेलपुरी, इस साइड देखिए बच्चों का खिलौना बिकते हुए आपको नजर आ रहा होगा। और सामने है मनोरंजन ही मनोरंजन, गोलू मनोरंजन ही मनोरंजन, वॉलीबॉल का एक चांस जो है 20 रुपया। इस साइड देखिए आइसक्रीम का दुकान, और अभी मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर होता है वॉलीबॉल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं सामने है फालूदा, और आगे बढ़ने के बाद इस साइड देखिए बच्चों का खिलौना बिकते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। और उसी के बगल में जो है वो है कप का दुकान, ये देख रहे हैं। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो कि बच्चों का खिलौना, और जो कि हर एक माल जो है वो है मात्र 20 रुपये का। और फिर आगे बढ़ने के बाद इस साइड देखिए छोटे बच्चों का चप्पल भी बिक रहा है, और इस साइड देखिए खिलौना बिक रहा है। ये देख रहे हैं, ये देखा है तो अपने वाराणसी का काफ़ी प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि काली पूजा लगता है। वैसे देखा है तो जैसा कि मैं शुरू में ही मैंने बात किया था बंगाली टोला में लगता है, लेकिन बंगाली टोला में गली में होने की वजह से जो है वो भीड़ कम रहता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जगह होने की वजह से ये आप देख पा रहे होंगे जो कि भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस साइड आप देख पा रहा हूँ जो कि वीडियो शूट हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।